सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। दिवाली आ गई है, दिवाली के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मिठाई, एप्पल मिठाई। एप्पल मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। आप इसे सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और दिवाली आ गई है, दिवाली पर हम खूब सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार करते हैं, तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जो आप घर पे ही सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर लेंगे और बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने घर पर ही बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। एप्पल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 3/4 कप मैंने यहाँ पानी लिया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। उबाल आने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। चाशनी में अगर आपको लगे कि चाशनी आपकी साफ़ नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच दूध डालकर इसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। उबाल आने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और फिर चेक करना है। देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, इसमें तार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चाशनी बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले, आपको ऑनलाइन ख़रीदना है, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दूध को, मिल्क पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिलाएंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए ही हमें पकाना है। करीब करीब 4 से 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाना है अच्छे से। एप्पल मिठाई बनाने के लिए हमें घंटों मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ और 2 से 3 बड़े चम्मच में काजू बादाम का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो काजू बादाम को बारीक कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा हल्का सा गाढ़ा होता जाएगा। अगर आपको लगे ये गाढ़ा हो रहा है तो आप जब ये हल्का हल्का पैन छोड़ने लगे तो हम इसको गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच घी डाल लिया है। घी डालने से हमारी मिठाई में टेस्ट तो बढ़ेगा ही, इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है हमें, हल्का सा बस छूने लायक हो जाए इतना हमें ठंडा करना है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर ये चिपके तो आप हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे बना सकते हैं, या आप ऐसे ही अगर नहीं चिपक रहा है तो आप ऐसे ही थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए और गोल करेंगे हाथों से हम, और इसको एप्पल जैसे एप्पल होती है बिल्कुल ऐसी ही हम शेप इसको देंगे। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाकर तैयार करनी है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, और बना लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हथेली पर पहले हम गोल करेंगे अच्छे से, इसे अच्छे से गोल करेंगे और फिर हम इसको हल्का सा दबाते हुए, जैसे एप्पल होती है नीचे से हल्की सी पतली और ऊपर से हल्की सी मोटी, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको शेप देंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे एप्पल होती हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इसको शेप दे देंगे। ऐसे ही सारी एप्पल मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे हम। देखिए देखिए मैंने यहाँ सारी एप्पल मिठाई बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसे मार्केट वाला लुक देने वाले हैं। जैसे मैं मार्केट में मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मिठाइयाँ दिखाई देती हैं, उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा फूड कलर लिया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी एप्पल मिठाई बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो मैंने एक ब्रश लिया है और उस पर हम ब्रश की सहायता से हम हल्का सा इस पर कलर करेंगे, जैसे एप्पल मिठाई होती हैं जैसे एप्पल होती हैं बिल्कुल ऐसा कलर हम इस पर करेंगे, जिससे बिल्कुल रियल में जैसे कि रियल की ये एप्पल है ऐसी आपको दिखाई देगी। बहुत ही ज़्यादा ये देखने में सुंदर लगेगी और खाने में एकदम टेस्टी।
तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। एप्पल मिठाई एकदम 10 मिनट में हम बनाकर तैयार कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और एक बार मैं और बोल रही हूँ आपको, कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप यूज़ कीजिए, नहीं आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और सारी एप्पल मिठाई ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रही है। देखिए लग रही है ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने घर पर ही बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एप्पल मिठाई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने यहाँ थोड़ी सी लौंग ली है और थोड़े से पिस्ते। लौंग से हम जो एप्पल की मिठाई पे स्टेम बनाते हैं वो बनाएंगे हम लौंग से, और पिस्ते से उसकी पत्तियाँ बनाएंगे। तो चलिए लौंग हम लगा देते हैं, जिसे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी और पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह हमने घर पे ही बनाई है। और बिल्कुल इतने आसानी से, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे खोया हम निकालते हैं मावा, तो उसे भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए पिस्ता लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए एप्पल मिठाई मैंने बनाकर तैयार कर ली है, और देखने में एकदम सुंदर लग रही है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। आप ऐसे बना सकते हैं। दिवाली आ गई है, त्यौहार का मौसम है, त्यौहार आ गए हैं बहुत सारे, दिवाली है, धनतेरस है, भाई दूज है, बहुत सारे त्यौहार हैं। आप इस अनोखी मिठाई को बना सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और आप भी इस दिवाली कुछ नया बनाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।